साथियों, हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का जी जान से परिश्रम करके, मेहनत करके उसको सिद्ध करके रहते हैं। हमें एहसास है कि योजनाओं में देरी से सबसे ज्यादा नुकसान देश की भावी पीढ़ी को होता है, जिनके सपने हैं उनको होता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है उसको होता है, जो मुसीबत की जिंदगी जो रहा है ऐसे गरीब को और मुसीबतें झेलने पड़ती है, सामान्य मानवीय का नुकसान होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मणिपुर की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवामबुंग के एफसीआई गोडाउन का लोकार्पण आज किया गया। दिसंबर 2016 में इस पर काम शुरू हुआ और हमने इस काम को पूरा करके दिखाया और आज लोकार्पण कर दिया। समय पर पूरा होने से हम ज्यादा खर्च से भी बचे और मणिपुर की जरूरत का अनाज स्टोर करने के लिए 10,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था का निर्माण भी हो गया। मणिपुर में स्टोरेज कैपेसिटी को दोगुना करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। इसी तरह उखरुल और उसके आसपास के हजारों परिवार की पानी की जरूरत को देखते हुए बफर वाटर रिजर्वायर पर काम नवंबर 2015 में शुरू हुआ, ये तैयार भी हो गया है और आज इसका लोकार्पण भी किया गया। ये प्रोजेक्ट 2035 तक की जरूरतों को पूरा करने वाला है। चूड़ाचांदपुर जोन 3 प्रोजेक्ट पर भी 2014 में काम शुरू हुआ और 4 वर्ष बाद आज उसका भी लोकार्पण हो गया। इससे 2030-31 तक यहां की करीब 1,00,000 आबादी की पानी की जरूरतें पूरी होगी। लंबोई में स्कूल के बच्चों और उसके आसपास के हजारों परिवारों की प्यास बुझाने वाली ये योजना पर 2015 में काम शुरू हुआ और 3 वर्ष बाद आज इसका भी लोकार्पण किया गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के संस्कार में क्या अंतर होता है उसकी ये छोटी सी झलक एक वानगी भर आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारी सरकार तय समय सीमा से भी पहले पूरा कर रही है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। आने वाले कुछ समय में यहां पर खबामलाम खाई से हन्ना चांग हेगांग के बीच रोड प्रोजेक्ट, इम्फाल में इंफेक्शियस डिजीज सेंटर, नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम शुरू होगा। साथियों, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार, हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। विकास से कोई भी जन, कोई भी क्षेत्र ना छूटे, इस पर जोर दिया जा रहा है। गो टू हिल्स और गो टू विलेज जैसे प्रोग्राम के तहत यहां की राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। जन भागीदारों को सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाने के प्रयास सराहनीय है। यही कारण है कि आज
मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के दौर से बाहर निकलकर आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है।